कि आपके घर में यदि गोबर का कंडा जलाकर गाय के गोबर को सूखे हुए कंडे को जलाकर अगर आहुति छूट रही है, कंडा भी नहीं जलाया, गैस पर भी बनाए हुए भोजन की पांच सातल्य छूट रही है, वो भी नहीं करा, भगवान के सामने कुछ धूप रखकर आप पांच साकल्य अन्न की छोड़ रहे हो, घर में जो भोजन बन रहा है, जो आप अग्नि में अगर दे रहे हो, तो उसका भाग ये रहता है कि उस घर में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। यजुर्वेद कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है कि अग्नि की सात जिभ्या में से एक जिभ्या ऐसी है जो रोग को हर लेती है, भारी जो बीमारी है वो। अग्नि देवता कहते हैं मेरी सात जिभ्या है, पहले नंबर की है मेरी काली, जो भोजन को लेकर प्रेतों को देती है। हम जब आहुति छोड़ते हैं यज्ञ में, हमने जो आहुति प्रदान करी वो सात भाग में बट गई, और उसका फल क्या क्या है ये अग्नि पुराण कह रही है, उसका फल क्या क्या है ये स्कंद पुराण कह रही है, उसका फल क्या क्या है ये शिव महापुराण कह रही है। हमने जब आहुति दी, बस हमने हाथ में लेकर स्वाहा बोला, और बोलते से उस आहुति के सात भाग हो गए महाराज। भले हमने वो इंद्र को दियो, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, भले हमने एक देवता का नाम लेकर दिया, पर उसके सात टुकड़े हो गए। पहला सात जिभ्या अलग अलग भाग को अलग अलग जगह पहुंचा रही है। पहले नंबर पर अग्नि देव की जिभ्या का नाम है काली, वो काली जो भोजन देती है वो प्रेतों को देती है हमारा। दूसरे नंबर पर है कराली, कराली भोजन को लेकर जो कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, अधोगति में शांत हो जाते हैं, कराली अग्निदेव की दूसरी जिभ्या भाग उनको प्रदान करती है। तीसरे नंबर पर मनोजवा भोजन लेकर पितरों को देती है, अग्निदेव की तीसरी जिभ्या मनोजवा के भोजन का भाग लेकर पितरों को प्रदान कर रही है। चौथी सुलोहिता, ये भोजन लेकर वासुकों को दे रही है महाराज। पांचवी ध्रुमवर्णी, ये भोजन लेकर देवताओं को प्रदान करती है। छठी स्फुलिंगी, ये अग्नि की वो जिभ्या है स्फुलिंगी कि घर के अंदर धूप जो छूटती है, अग्नि जो साकल्य भोजन आदि हम घर के अंदर देते हैं, ये स्फुलिंगी एक जिभ्या अग्नि देवता की ऐसी है जो घर में से रोग को हटा देती है। फिर निवेदन करूंगा, हार्ट अटैक की बीमारी को हटाना है तो घर में सात पांच तीन दो एक, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने जो घर में भोजन बने वो अग्नि देवता को जिमाना है। थोड़ा सा धुआं जरूर होगा, धूप लगेगी तो धुआं तो होगा, पर बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती। क्यों? अग्नि देव की छठी जिभ्या स्फुलिंगी रोग, बड़े से बड़े रोग को, यहां तक शास्त्र आप पहले का इतिहास उठाकर देखिए, पहले के समय में अटैक की बीमारी नहीं होती थी, हार्ट अटैक नहीं होता था, शुगर नहीं होती थी, ये ब्लड प्रेशर नहीं होता था। आज के समय में सारी बीमारियां हो गई। क्यों? क्योंकि घर तो बड़ा बन गया, बंगला भी बड़ा बन गया, ऐश्वर्य राम की वस्तुएं भी बहुत हो गई, पर घर में जो प्रतिदिन पांच आहुतियां पूर्व के समय के लोग दिया करते थे, घर में पांच आहुतियां जो चूल्हे में छूटती थी, वो आहुतियां बंद हो गई, उसका स्मरण फिर प्रारंभ हो, जगत का फिर कल्याण। हमारे धर्म, हमारे शास्त्र जो वर्णन करते आए हैं वो गलत नहीं है। पहले के समय में यज्ञ अनुष्ठान कितने होते थे, आज के जमाने में काम लोभ विषय आसक्तियां ज्यादा हो गए। छठे नंबर की अग्नि देवता की जिभ्या का नाम है स्फुलिंगी, और अग्नि देव की ये छठी जिभ्या स्फुलिंगी ये बीमारी का हरण कर लेती है, ये रोग का हरण कर लेती है।
क्यों भैया? वो दिल्ली का हॉस्पिटल जहां पर आपकी छठे नंबर की जिव्या है स्फुलिंग, जो रोग को बीमारी को समाप्त कर देती है, यज्ञ अनुष्ठान से आहुतियों से रोग बीमारी समाप्त होती समाप्त। सातवें नंबर की अग्निदेव की जिव्या है विश्व रुचि, विश्व रुचि जो दरिद्रता को दूर भगाती है, लक्ष्मी का प्रवेश कराती है। जिसके घर में अग्नि के ऊपर साकल्य दी जाती है, भोजन दिया जाता है, हम तो यहां तक कहते हैं कि आप कंडा भी मत जलाओ, आप गैस जलाते हो तो गैस पर ही थोड़ा सा कुछ छोड़ दो, अग्नि तो है ना। यज्ञ कर्ता ब्राह्मण और यज्ञ करवाने वाला यजमान, दोनों को ध्यान रखना चाहिए। यजमान जब आहुतियां दे रहा हो, ब्राह्मण स्वाहा बोल रहे हैं ओम इंद्राय स्वाहा, तो जो आहुतियां दे रहा है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जो आहुति दे रहा है उसके मुख से स्वाहा शब्द निकलना जरूरी होता है। महाराज ब्राह्मण बोले वो अपनी जगह पर है, ब्राह्मण संबोधन करे वो अपनी जगह पर है, पर जो आहुतियां डाल रहा है, जो सांकल्य प्रदान कर रहा है, उसके मुख से स्वाहा निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है देवताओं को बुलाना, उसने बोला ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्राय सामने भाग लेने के लिए। अब यजमान का मन होना चाहिए खिलाने का, यजमान का मन होना चाहिए देने का, तो यजमान जब स्वाहा बोलेगा तब वो इंद्रदेव उस पदार्थ को ग्रहण करेगा। जिस आहुति में यजमान स्वाहा नहीं बोलता वो आहुति देवता स्वीकार नहीं करता, इसलिए बीच बीच में यज्ञ करते समय यज्ञ करता ब्राह्मण जजमान से कहते हैं सावधान। सावधान का मतलब है कि मुख से स्वाहा बोलना चालू करो, ऊंगो मती, केवल साकल्य देकर चुप ना रहिए, स्वाहा संबोधन तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए। वो स्वाहा का